कोई चुनावी वादा आप पूरा नहीं कर रहे हैं, संसद आप चलने नहीं देते। बोर गौर कीजिए, 11 बार विपक्ष ने इस संसद के अंदर पिछले सत्र में अविश्वास का प्रस्ताव रखा था। जानते थे कि अविश्वास का प्रस्ताव पारित नहीं होगा, लेकिन अविश्वास का प्रस्ताव रख के सरकार को घेरेंगे, किसानों मजदूरों की आवाज रखेंगे, महिलाओं के सवाल रखेंगे, नौजवानों की बेकारी का सवाल उठाएंगे, शिक्षा का व्यावसायीकरण उठाएंगे, खेत मजदूरों के पलायन की सवाल उठाएंगे। सरकार को घेरने के लिए अविश्वास का प्रस्ताव रखा। 11 बार हमारी लोकसभा की स्पीकर सुमित्रा महाजन ने कहा कि हमको आवाज सुनाई नहीं पड़ रही है, इसलिए रिजेक्ट कर दिया, संसद को अगवा कर दिया। मैं यहां से भाषण कर रहा हूं और मैं कह रहा हूं कि सरकार ने, अगर हिम्मत हो तो बात कीजिए, इस देश का उपराष्ट्रपति जो देश के राज्यसभा का चेयरमैन है, वो राज्यसभा के चेयरमैन की हैसियत से कुछ बोले मुझे कोई फर्क नहीं, लेकिन देश के उपराष्ट्रपति की हैसियत से वो आरएसएस का कार्यकर्ता बनकर सांप्रदायिकता पैदा करने का भाषण करता है। ऐसे राष्ट्रपति के खिलाफ जनता को खड़ा होना चाहिए, दुनिया में हमारी क्या इज्जत होगी। प्रधानमंत्री जी, ये पुतिन से आप सुबह गए और शाम को लौट आए रूस में बात करने का, ये बात तो आप फोन पर और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर भी कर सकते थे। ये लाखों करोड़ों रुपया क्यों खर्च कर रहे हो भारत का, अगर अपना दौरा करने के लिए कर रहे हो? एक साल बाकी है सरकार में, 70 बार आप हो आ चुके हैं विदेश, 70 देश हो आ चुके हैं, अब 30 देश और पूरा कर लीजिए एक साल में, ताकि आपका सैकड़ा पूरा हो जाए और उसके बाद देश की जनता भी हम सब मिलकर इनको हमेशा के लिए यहां से विदा कर दे, तभी किसानों मजदूरों की जिंदगी में परिवर्तन आएगा। साथियों, ये जन एकता जन अधिकार आंदोलन एक नए प्रकार की एकता पैदा कर रहा है राजनीति से ऊपर। मैं आपसे कहना चाहता हूं, गलत फहमी में मत फंसिएगा कि नेताओं के इकट्ठा होने से मोदी की सरकार और नीतियों का विकल्प बन जाएगा। नेताओं के इकट्ठा होने से मोदी की सरकार आरएसएस की नीतियों का विकल्प नहीं होगा। जन अधिकार और जन आंदोलनों को तेज करके अपनी एकता को प्रदर्शन करके एक नया विकल्प बनेगा। नेताओं से विकल्प नहीं, नीतियों से विकल्प बनाने की जरूरत है। ये काम अगर हम करेंगे तो हम अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ेंगे। ये एकता और मजबूत हो, इस मैसेज को, इस पूरी सोच को, इस पैगाम को, इस अधिकार को, इस आंदोलन को, इस सोच को नीचे तक ले जाना है। आज बड़ी संख्या में इस तपती हुई धूप में हम यहां इकट्ठा हुए हैं, देश में हर कोने में, बिहार में, लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में, केरल में, तमिलनाडु में, हिमाचल में, पंजाब में, हरियाणा में, सब जगह, कहीं राज्य स्तरीय कहीं जिला स्तर पर प्रदर्शन हो रहे हैं। सब लोग इकट्ठा होकर के है, इस एकता को और मजबूत बनाइए। ये होड़ मत कीजिए कि कौन आगे होगा, किसका डंडा ठंडा आगे होगा। सवाल है कि हमारे जनता के आंदोलन के सवाल इस मोदी सरकार के सीने पर फेंक करके नए परिवर्तन की मशाल जलानी है। जन अधिकार का नया संघर्ष, जन एकता का नया संघर्ष, यही बात हमको कहनी है आप सबके प्रति। इस गर्मी में आप आए, ये माहौल को गर्म बनाए रखिए। ये गांव एक प्रकृति की गर्मी है, लेकिन राजनीति की गर्मी को और तेज कीजिए। लोगों को लामबंद करके दिल्ली में एक जनवादी, महिलाओं किसानों की हक की बात करने वाली, खेत मजदूरों और नौजवानों और विद्यार्थियों की बात करने वाली, नए रोजगार बनाने वाले, मजदूरों को अधिकार देने वाली एक ऐसी सरकार जो बड़े, जो संप्रदायवाद से दूर हो। आखिरी बात, एक बात याद करिएगा, ये हमको जाति और धर्म पर बांटने का इनके पास आखिरी औजार है, इसलिए ये देश हम सब का है। प्रधानमंत्री जी को ये भी नहीं मालूम है कि जनरल करियप्पा को नेहरू जी ने भारत की सेना का प्रमुख बनाया था। कर्नाटक के चुनाव में वो भाषण कर रहे थे कि करियप्पा को हटा दिया, ये आदमी विचार विहीन आदमी है, ये पढ़ता है, इसको कुछ नहीं मालूम, जो विवेकानंद फाउंडेशन बता देता है, आरएसएस बता देता है, वही करता है। मैं आपसे कहूं, ये देश हम सब का है, ये देश जितना हिंदुओं का है
उतना ही मुसलमानों का है, उतना ही सिखों का है, उतना ही ईसाइयों का है, उतना ही बौद्धों का है, ये जैनियों का है, ये देश हम सब का है। इसलिए एक बार नारा लगाइए, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद।